एवरीवन, व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा तीसरा वीडियो बालिका, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कुटा में हम लोग कहाँ रुके थे, वहाँ का वेदर कैसा था, वहाँ का रूम कैसा था, वो रिसोर्ट कैसा था, साथ में ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, और वहाँ का स्विमिंग पूल कैसा था, वहाँ का एरिया कैसा था, सब कुछ आज आपको ये वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये वाला वीडियो होने वाला है तीसरा टूर वाला, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपके साथ गिली का रिसोर्ट शेयर किया था, दूसरे वीडियो में मैंने आपके साथ उबुद का रिसोर्ट शेयर किया था, और ये वाले वीडियो में मैं आपको कुटा का रिसोर्ट शेयर करूंगी। यानी कि ये तीन वीडियो होने वाले हैं टूर वाले। सबसे पहला वीडियो मैंने आपके साथ जो शेयर किया था वो था पैकिंग वाला, दूसरा था गिली का, तीसरा था उबुद का, और ये फोर्थ वाला है कुटा का। इसके बाद बहुत सारे वीडियो और भी आने वाले हैं हमारी ट्रिप के। हम लोग एक बार शॉपिंग के लिए गए थे, उसका वीडियो आएगा, साथ में थोड़े थोड़े मैंने शॉर्ट लिए थे वो मैं कंबाइन करके एक वीडियो में डाल दूंगी, अगर लंबा हो जाएगा तो उसके दो पार्ट कर दूंगी। सो बेसिकली इसके बाद दो से तीन वीडियो और आने वाले है। तो इस बार मैं रक्षाबंधन का कोई भी लुक आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि इस बार मैं इस जोन में नहीं हूँ अभी कि मैं कोई मेकअप का वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। और ये बहुत सारे पेंडिंग क्लिप्स है मेरे फोन में जो मुझे एडिट करके आपके साथ शेयर करने, ताकि मेरे फोन का स्टोरेज थोड़ा सा कम हो जाए, दैट्स व्हाई। और ये वीडियो में मैं आपके साथ वो सब कुछ कुटा का शेयर कर दूंगी, रिसोर्ट का टूर, रूम का टूर, साथ में स्विमिंग पूल, ब्रेकफास्ट या सब कुछ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में ही मैं आपके साथ रूम का टूर भी शेयर करने वाली हूँ। वैसे ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, सो वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखिएगा। और जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल में पहली बार है, हाय, माय नेम इज अंकिता। आपको मेरे चैनल पर मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, फैशन, डीआईवाई और थोड़े बहुत ट्रैवलिंग के वीडियो भी देखने को मिलने वाला है। सो अगर आप मेरे चैनल पर आ चुके हो, वीडियो में आ चुके हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मेरा वीडियो मिले और आप मेरे वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर पाए। चलिए जल्दी से मिलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि हम कौन से रिसोर्ट में रुके थे। कुटा में हम लोग जहाँ पे रुके थे वो रिसोर्ट का नाम था रिसाटा रिसोर्ट, और ये पूरा उसका बाहर का व्यू है। और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा ऑप्शन मिलेगा पार्किंग को लेके, सो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हर जगह पे ये वाला ऑप्शन इतना बड़ा नहीं होता। देर साय बाहर से ही काफ़ी लग्जरियस ये विला लगता है, जैसे ही हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो यहाँ से हमारा रिसेप्शन एरिया स्टार्ट होता है। रिसेप्शन एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इनकी यहाँ पे अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी ऑफिसेज भी है जो हमने देखने को मिली थी। जैसे ही हम एंटर करेंगे काफ़ी लग्जरियस फील यहाँ पर भी हमको मिलेगा। एक साइड पे आपको रिसेप्शन वाले लोग मिलेंगे, और एक साइड पे आप बैठ सकते हो, उनकी जो भी डेकोरेटिव आइटम है वो देख सकते हो। एकदम ऑपोजिट साइड पे आपको घड़ियाँ मिलेंगी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के हिसाब से, यानी कि उनके टाइम के हिसाब से। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बैठने के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया वाला ऑप्शन मिलेगा। साइड में जैसे ही हम जाएंगे तो उसके थोड़ा सा क्रॉस जाते ही ये वाला एरिया है, जहाँ पे आप अपनी चाय, कॉफ़ी या फिर ड्रिंक वगैरह ले सकते हो। हम जैसे ही यहाँ से सीधा जाएंगे ना, तो इसके एग्जैक्ट आगे आपको ब्रेकफास्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ये रिसोर्ट में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी करना चाहते हो तो वो वाले एरिया में कर सकते हो। ये वाला एरिया आपको, यहाँ पर भी आप डिनर कर सकते हो, बट ये एरिया पर्टिकुलर ड्रिंक के लिए बनाया गया है मुझे ऐसा लगता है। यहाँ से आगे आपको ब्रेकफास्ट का ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ पे मुझे खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, क्यों, हम लोग पहले गिली में गए जहाँ पे नॉन वेज का काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, वेज में आपको काफ़ी कम ऑप्शन मिलेंगे। उबुद में तो बहुत ही कम ऑप्शन है, बट यहाँ पे नॉन वेज से ज़्यादा वेज के ऑप्शन थे जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। हमने यहाँ तीन दिन तक ब्रेकफास्ट किया था, तीनों दिन आपको डिफरेंट टाइप का फूड मिलेगा, डिफरेंट टाइप के फ्रूट मिलेंगे। सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी थी जो आपको हर रोज़ मिलेगी, और मैं गारंटी के साथ ये भी कह सकती हूँ कि वो आप हर रोज़ खा भी सकते हो। यहाँ पे आपको कॉफ़ी के डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, चाय के मिलेंगे, जूसेस के मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है हर एक वेज के लिए। मैं जो आपको बोल रही थी कि एक ऐसा फूड आपको यहाँ पे हर रोज़ दिखाई देगा जो आप हर रोज़ खा सकते हो, वो सबसे पहला होगा ब्रेड बटर। ब्रेड में भी काफ़ी डिफरेंट टाइप की वेराइटी थी वेज के लिए, और एक बढ़िया वाला ऑप्शन था और वो था डोसा का। यहाँ पे हर रोज़ आपको डोसा मिलेगा, आप प्लेन पेपर खाना चाहते हो तो आपको वो भी मिलेगा, अगर आप मसाला डोसा खाना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगा, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं ब्रेड वगैरह कम खाती हूँ, स्पेशली
आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा यकीन नहीं होता कि ये एगलेस है, ढेडसा है। सो हमने 2 और 3 दिन तक, मैंने तो सिर्फ डोसा ही खाया था जो टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अगर आप प्रॉपर वेज हो और आप बाली विजिट करने वाले हो तो डेफिनेटली आप एक बार यहाँ पे ट्राई कर सकते हो रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फूड का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है और इंडियंस को आउट ऑफ इंडिया के बाहर खाने के काफ़ी ज़्यादा इश्यू होते हैं जो वेज लोग हैं उनके लिए, और यहाँ का फूड काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है फॉर श्योर। तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। जैसे ही हम ब्रेकफास्ट एरिया से बाहर निकलते हैं ना, तो यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल दिखाई देगा। स्विमिंग पूल भी काफ़ी बड़ा वाला था, काफ़ी लंबा था, एल शेप में यहाँ पे स्विमिंग पूल था। आप देख सकते हो ये है रिसेप्शन का एरिया, यहाँ पे है ब्रेकफास्ट का, और ये है स्विमिंग पूल का एरिया जहाँ पे आपको क्लीन वाटर मिलेगा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से रिसोर्ट को मेंटेन कर रखे रखा है। लाइक यहाँ पे आपको सब कुछ क्लीन मिलेगा, बिल्कुल भी कचरा नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्विमिंग पूल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे अगर आपको स्विमिंग नहीं करना तो आपको पुल के आसपास काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलेंगे बैठने के लिए, तो आप यहाँ पर बैठ के चिल भी कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बैठोगे तो आपको ड्रिंक लेना पड़ेगा और कुछ भी। सो ये भी आप अपना ऑप्शन इजीली कैरी कर सकते हो। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी ये रिसोर्ट की। वैसे हर जगह पर स्विमिंग पूल के आसपास आपको बैठने का ऑप्शन मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है और हर जगह पर होता ही होता है। और जो ये वाला रिसोर्ट है ना, उसका पूरा टूर मेरे हस्बैंड ने शूट किया था। रिसेप्शन एरिया से जैसे ही हम आगे जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमको ये दिखता है, यहाँ से ही ये फिश हाउस जो ओपन है वो शुरू हो जाता है। जो आपको ये ब्रिज छोटू सा देखा देता है, उसके नीचे भी पानी है। फिश को काफ़ी अच्छा और बड़ा ऑप्शन मिलेगा घूमने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक छोटे से टैंक में उनको रखा गया है, यहाँ पे फिश भी काफ़ी बड़ी बड़ी और बहुत ही ज़्यादा फिशेस भी रखी हुई है। पूरा का पूरा रिसोर्ट इसी तरीके से है, इसी तरीके से ये पूरा रोड है, यानी कि यहाँ पे आप पैदल चल सकते हो और साथ में आपको 5-5 या फिर 7-7 कमरों का एक छोटा सा सेक्शन मिलेगा जहाँ से आप अपने कमरे की तरफ जा सकते हो। और ये रिसोर्ट में रुकने की सबसे अच्छी बात ये है कि ये मॉल के 1-2 किलोमीटर के एरिया में आपको काफ़ी सारी लोकल शॉप्स मिल जाएगी, साथ में 1-2 मॉल मिल जाएंगे, मिस्टर डीएवे मिल जाएगा, और इंडियन फूड का भी काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। जो आपको ये दिख रहा है ना रास्ता, पूरा रिसोर्ट इसी तरीके से है। आपको लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे इस तरीके से आपको इस तरीके ये वाले जो कमरे हैं ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। ये रिसोर्ट काफ़ी बड़ा है, मैं साइड में कहीं पर भी इसका एक पिक्चर डाल दूंगी गूगल मैप से निकाल के, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये बड़ा रिसोर्ट है जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ये मे बी ये वाला पार्ट जो आप अभी देख रहे हो, इसके अंदर जाते ही आपको मसाज वाला सेक्शन मिलेगा, साथ में जिम का एरिया मिलेगा जहाँ पे अगर आपको वर्कआउट करना है तो आप इजीली वर्कआउट भी कर सकते हो। जितनी अच्छी इसके अंदर ग्रीनरी है उतना ही अच्छा और शांत ये रिसोर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये सिटी के बीच में है, कुटा में बीच में है, लोकल शॉप्स है आजू बाजू में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आएगी, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप अंदर जाओगे ना, आपको काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी, तो आप अपना टाइम अच्छे से यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है सारी जगह पे, क्योंकि हम सभी जगह पे चल के ही गए थे, डेढ़ से मैं बोल रही हूँ। आप यहाँ पे अगर रहते हो तो आपको सबसे अच्छी बात ये मिलेगी कि आपको वेज फूड, इंडियन फूड मिलेगा, साथ में आपको लोकल शॉप्स नज़दीक में मिलेगी। अगर आपको लिकर की नीड है तो वो भी आपको आजू बाजू में काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन मिलेगा, साथ में आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। और रिसाटा रिसोर्ट के एग्जैक्ट बाजू में, यानी कि जो ये मैंने आपको पार्किंग एरिया स्टार्टिंग में दिखाया था, उसके एग्जैक्ट बाजू में आपको अन्नपूर्णा करके एक होटल मिलेगी जहाँ पे आपको वेज और नॉनवेज दोनों फूड मिलेंगे। और वहाँ पे जो शेफ़ है ना, वो मे बी हरिद्वार के शेफ है ओम प्रकाश करके, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और डिलीशियस फूड बना के हमको प्यार से खिलाते हैं। और जो आप ये वाला रिसोर्ट देख रहे हो ना, ये भी पूरा कंप्लीट रिसोर्ट नहीं है, सिर्फ हमने 15 मिनट का ही शूट किया था, क्योंकि काफ़ी बड़ा रिसोर्ट है, दैट्स व्हाई मैंने आपको आगे बोला। बट ये वाला स्पा, मसाज और जिम का एरिया आप देख सकते हो, ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा है। बट हमने यहाँ पे इंक्वायरी की थी मसाज के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लगा मुझे, सो हमने होटल के अंदर मसाज नहीं करवाया था। अगर आप ये होटल में रुकते हो तो थोड़ा सा ही आगे चलोगे आप, रिसाटा होटल के आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो आपको काफ़ी सारे मसाज के सलून मिलेंगे, तो आप वहाँ पे जाके भी उसकी फैसिलिटी एंजॉय
कर सकते हो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आपको किस तरीके से अपना एंजॉयमेंट कैरी करना है। मैं आपको एक चीज़ ये भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोटा में ये वाले रिसोर्ट में रुक रहे हो ना, तो आप एक्टिवा रेंट पे ले सकते हो, क्योंकि आजू बाजू में काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा दूर आपको एक अच्छा सा बीच भी मिल जाएगा, अच्छे खासे शॉपिंग के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, और कोटा में कृष्णा करके एक मॉल टाइप है, उसका पिक्चर आपको शायद मैं इसमें डाल दूँ या फिर आपको किसी और भी वीडियो में मैं आपको दिखा सकती हूँ, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन है शॉपिंग का, हमने सारी शॉपिंग वहीं से की थी। सो मुझे तो वो मॉल काफ़ी अच्छा लगा था। उबुद में भी 8 मॉल है, जो मैंने आपको उबुद वाले वीडियो में बताया था कि हमने वो विजिट नहीं किया, बिल्कुल वैसा ही वहाँ पे है। सिर्फ फर्क इतना है कि उबुद वाला जो 8 मार्केट है वो ओपन है, और ये प्रॉपर जो हमारे इंडिया में डीमार्ट और रिलायंस होते हैं ना, जो फ्लोर वाइज होता है, उस तरीके से यहाँ पे मतलब कोटा में कृष्णा मार्केट है, जहाँ पे आप अच्छे से वुड की, मोतियों की माला की, कपड़ों की और भी बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पे मिलती है, जिसकी आप शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कोटा में कृष्णा मार्केट करके गूगल में सर्च कर सकते हो, वो भी आपको गूगल में अच्छे से दिखाई देगा। ये नाइट का व्यू भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया था ताकि मैं आपके साथ वो भी शेयर कर पाऊँ। अभी हम जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ, और मैं यहाँ पे आपको अभी हमारा रूम टूर भी करवाऊँगी। सो अभी तक का था रिसोर्ट का टूर, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। अगर कोई भी इंक्वायरी है आपको रिसोर्ट को लेके, तो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगी। और भी कुछ आपको जानना है तो आप गूगल के थ्रू भी जान सकते हो। और ये रहा हमारा छोटा सा कोजी सा प्यारा सा रूम का टूर। ये है हमारे एंट्रेंस का गेट, यहाँ से आप अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको वार्डरोब मिलेगा। वार्डरोब में आपको कुछ इस तरीके से वार्डरोब मिलता है। यहाँ पर आप सेफ्टी पर्पस के हिसाब से भी कुछ रख सकते हो अगर आपको रखना है तो। उसके एग्जैक्ट बाजू में आपको यहाँ पे छोटा सा फ्रिज मिलेगा अगर आप कुछ रखना चाहते हो तो, फ्रूट वगैरह। ऊपर यहाँ पे आपको गर्म पानी करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको कप ग्लासेस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको फुल ऑफ मिरर मिलता है, लाइक आप अपने आपको अच्छे से रेडी होने के बाद देख सकते हो। उसके एग्जैक्ट बाजू में यहाँ पे आपको मिलने वाला है वॉशरूम। यहाँ पे ये स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है, एकदम छोटा सा कोजी वाला वॉशरूम है। टॉयलेट है, बाथटब है, यहाँ पे आपको सिंक मिलेगी, साथ में यहाँ पे आपको एक अच्छा ड्रायर हेयर ड्रायर मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा टॉवल रखने का ऑप्शन, और ये है नहाने का कर्टन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बेड मिल जाएगा, काफी बड़ा सा और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बेड है ये। बाली में हमें सबसे अच्छी नींद ये बेड पे आई है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। यहाँ पे टीपीओ दी हुई है, इसके ऊपर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे आप इसको स्टडी टेबल समझ लो या फिर आप इसको अपना ड्रेसिंग टेबल समझ लो, अपने हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा रेडी होने के लिए, टिश्यू पेपर दिए हुए हैं, साथ में यहाँ पे टीवी है, ये नाइट लैंप दिए हुए हैं दो आपको यहाँ पे, साथ में बेड के दोनों साइड पे भी छोटे छोटे लैंप दिए हुए हैं। यहाँ पे टेलीफोन है, आपको कुछ भी अगर उनके साथ बात करनी है या फिर कुछ मंगवाना है तो उसके लिए। यहाँ पर भी ड्रोवर है, जिसके हिसाब से आप अपना कुछ अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। दो चेयर और एक छोटू सा टेबल भी यहाँ पे दिया हुआ है, चाय वगैरह अगर आप पीना चाहो तो पी सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बालकनी मिलेगी, काफी अच्छी और ग्रीनरी वाली बालकनी है। यहाँ पर भी आपको दो चेयर और साथ में एक छोटू सा टेबल मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी चाय और कॉफी एंजॉय कर सकते हो।